दीक्षित जी स्पीक्स वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय वाराणसी में हूँ और वाराणसी के 80 घाट से वीडियो बना करके दे रहा हूँ। आज के दिन बनारस में देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली का त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन आसमान से स्वर्ग से देवता लोग उतर करके गंगा जी का स्नान करते हैं और फिर महादेव जी की पूजा करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब की बार की ये देव दीपावली कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि काशी धाम का लोकार हो चुका है और एक ऐसा विराट स्वरूप निकल के सामने आया है जिसको कि देखने के लिए शायद पूरी धरती उमड़ पड़ी है। इसमें बताते हैं कि इस समय 10 लाख लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं जो कि बनारस के घाटों की तरफ इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कि कोई पानी का दरिया हो बहते हुए चला जा रहा है। इसको कि रोकना मुश्किल है। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैंने बहुत प्रयास के बाद ये कुछ वीडियोस आपके लिए तैयार किए हैं क्योंकि मैं 80 घाट पर था वहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर कि वहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय यहाँ पर कम से कम 10 लाख लोग हैं जो कि इस समय को देखने के लिए तैयार हैं। गंगा जी के उस पार भी रोशनी की गई है। इस समय 10 लाख दिए जलाए गए हैं, 10 लाख दिए बनारस के घाटों पर और 5 लाख दिए उस पार रामनगर से। ये दीपावली के कुछ देव दीपावली के कुछ दर्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा ये लेटेस्ट है। इससे पहले हर गली हर रास्ता जो कि घाटों की तरफ जाता हुआ है एकदम पैक्ड है लोगों से, जिसमें युवा भी हैं वृद्ध भी हैं, उसी के बीच में एक आध जगह कहीं सांड भी हैं जो इसके लिए बनारस प्रसिद्ध है। ये आप देख रहे हैं ये नमो घाट है, यहाँ पर हवाई जहाज भी लैंड कर सकता है। और माँ गंगा की आरती भी थोड़ी देर में शुरू होगी। अमृत दल से निवेदन है कि भैया राजा जी आप सबको एक लाइन से खड़ा करा दें। जानवी सेवा समिति के तत्वाधान में नित्य प्रति संध्या शाम को होती है। आज देव दीपावली के महापर्व पर माँ का अभिषेक अभी हो रहा है। अभिषेक के बाद इसके मैं कुछ अलग से वीडियो मैं अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा आपके लिए। देख रहे हैं पूरा शहर सजा हुआ है।